इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल व्लादिवोस्तोक का जो शहर है, ये व्लादिवोस्तोक का शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में आपको सिर्फ ये बताऊं कि इसके यहां पर व्लादिवोस्तोक के जो शहर है, बिल्कुल आप समझिए ना कि रशिया के, यानी ये जो पिंक डॉट एक नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता ये मैप हमारे एक आध और मैप होता तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आ जाता, बात सामने आ जाती, लेकिन ये जो रशिया का पैसिफिक जहां पर 5647 लिखा हुआ है ना, ये जो डॉट है, ये डॉट है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये सबसे बड़ा, यहां पे सबसे बड़ी बंदरगाह है रशिया की। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि यहां पे वजीर आजम मोदी गए थे 2019 में। और वजीर आजम मोदी जब गए तो वजीर आजम मोदी ने उसके बाद एक बात की, इसको जरा फिर दोबारा दिखाइएगा मैप को, इसको बड़ा कीजिएगा जी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये जो नीचे आपको देख रहे हैं ब्लू कलर का इंडिया का नक्शा नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि इंडिया से हम रशिया तक एक कॉरिडोर लेके जाएंगे। सही है, ठीक है, यानी रशिया की उस बंदरगाह तक। सही है, ठीक है। और ये इंडिया में कहां से शुरू होगा? चेन्नई से। और ये पोर्ट ऑफ मुंबई या पोर्ट ऑफ चेन्नई से शुरू करेंगे और यहां से हम एक फिर, यानी दरमियान में जा रास्ता वो साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, इधर से करते 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 हम व्लादिवोस्तोक तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हमारे जहाज इधर नहीं जाएंगे बल्कि इस तरफ जाएंगे, और यहां जाने के बाद फिर वो नॉर्दर्न सी रूट को ज्वाइन कर लेंगे। और नॉर्दर्न सी रूट के बजाय इसके कि हम अभी तो देखें एग्जिस्टिंग रूट इस तरफ, आपको इंडिया से देख रहे हैं ना, अभी इस तरफ जा रहा है, यानी एक तरफ से आपको नजर आ रहा है अफ्रीका की तरफ जाता हुआ, ईरान की तरफ जाता हुआ, दरमियान में से सुइस कैनाल से टेढ़ा मेढ़ा घूमता घामता वो नॉर्वे तक पहुंच रहा है। देख रहे हैं जो लंबा सा एग्जिस्टिंग, जिसके ऊपर लिखा हुआ एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग ही है। प्रपोज इन्होंने क्या किया कि हम एक छोटा सा रास्ता यहां से बना लेते हैं और इसका जो है वो हम अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है, और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो आर्कटिक का खेल है, उस खेल के अंदर इंडिया भी एक प्लेयर के तौर पे एंटर होना चाह रहा है, और वो समझता है इंडिया कि हमारी वहां पर एक जगह इंपॉर्टेंस नहीं, इंडिया की इंपॉर्टेंस ये है, देखिए इंडिया एक मुल्क है, बड़ा मुल्क है, बड़ी पावर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। वो ये कहते हैं कि जी जो मौसम पिघल रहे हैं, अच्छा इन्होंने नॉर्वे की, इनकी पूरी आर्कटिक पॉलिसी है इंडिया की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये हाँ, ये देखिए व्लादिवोस्तोक, अब यहां पर ये कहते हैं कि जी यहां तक हम पहुंचे और यहां तक पहुंचने के बाद यहां से फिर हम नॉर्दर्न जो है वो हम रूट को ज्वाइन कर लें, तो उसके नतीजे में नॉर्वे तक जो यूरोप क्रॉस करना है वो हम रशिया के साथ साथ करें। अच्छा, रशिया, ये रशिया क्या है ना, व्लादिवोस्तोक जो शहर है, तो यहां पे मोदी साहब गए, इन्होंने जगह मुआहिदा साइन किया। मसला क्या है, रौला क्या है, इसके बिल्कुल साथ है शुमाली कोरिया, इसके बिल्कुल साथ है चाइना, वो क्या यहां से बनने देंगे ये समुद्री रस्ते, यहां से जहाज वहाज जाने देंगे? इसको मैरीटाइम कॉरिडोर इन्होंने नाम दिया, मैरीटाइम कॉरिडोर का। कोई अगर हमारे पास कोई क्लिप उसकी खबर वबर का है तो हम उसको दिखा भी सकते हैं कि मैरीटाइम कॉरिडोर बहरहाल इन्होंने स्टार्ट किया, मुझे ये नॉन स्टार्टर लगता है, ठीक है ना, चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, मुझे इसमें कभी भी ये, लेकिन चूंकि डिस्कस हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहां पे बताना जरूरी है। अच्छा, और इनकी पूरी की पूरी आर्कटिक पॉलिसी, अब देखिए ना ये पावर प्ले के अंदर, ये इसके ऊपर आपको मिल भी जाएगी इनकी ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, अच्छा, और ये भी इनकी रिसेंटली है, ये पूरी इनकी पॉलिसी है, और उस पॉलिसी में इन्होंने बताया है कि ये बहुत जरूरी है, उसका इंट्रोडक्शन है इस पेपर का, उसके बाद ये पूरी स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी है कि जी उसके नतीजे में रशिया को भी फायदा होगा, हम जो है यानी चाइना से सस्ता माल हम इंडिया से रशिया तक पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद लेकिन चाइना ये कहां से, ये आइडिया कहां से आया है, मैं इसको समझने से कासिर हूं, क्योंकि समझ चाइना बैठा हुआ है, तो साथ जो बैठा हुआ है वो जापान, मतलब बाकी मुल्क क्यों, और ये है भी समंदर के रास्ते से, ये जो है ये जमीन के रास्ते इसलिए नहीं हो सकता कि जमीन के रास्ते तो फिर आप हिमालय को क्रॉस करते करते पूरे चीन से गुजरेंगे ना बीच में, फिर रशिया का कौन सा बॉर्डर है,
इंडिया के साथ, रशिया का कोई बॉर्डर नहीं है, तो रशिया तक पहुंचने के लिए इंडिया को पानी से जाना है ना, मतलब पानी से ही जाना है तो इसको मैरीटाइम कॉरिडोर, वरना तो चाइना है ऊपर, तो चाइना से कैसे गुजरेंगे? तो ये मैरीटाइम बना के कि हम यहां से, ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में नहीं, तो साइडों से हांगकांग में पहुंचती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम यहां से निकल के हम आप तक पहुंचेंगे। अच्छा, एमओयू साइन भी हो गया, प्लस ये कि जो नॉर्वे के अंदर जो रिसर्च हो रही है वहां पर भी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अपनी की है आर्कटिक के अंदर, क्योंकि एज अ देखिए आर्कटिक काउंसिल के एक तो वो मेंबर्स हैं ना जो हमने जिक्र किया, ये कल हमने नॉर्दर्न रूट दिखाया था और सारा, तो एक तो वो मेंबर्स हैं जो 8 मेंबर्स हैं, हमने बताया था कि सबसे ज्यादा उसमें रशिया का है, फिर उसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये सारे कैनेडा है, अमेरिका, ये सारे मुल्क हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स भी हैं, और उन ऑब्जर्वर जो हैं उन ऑब्जर्वर्स के अंदर उन्होंने इंडिया को भी ऑब्जर्वर का किरदार है, मुबस्सिरीन, मुबस्सिर का, यानी आप मुकम्मल तौर पे जैसे अक्वामे मुत्तहिदा के सदर आ रहे हैं, फर्ज करें सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सिक्योरिटी काउंसिल के सदर आ रहे हैं, तो वो 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं है, बाकी जो है वो कभी पाकिस्तान हो जाता है रुकन उनका नॉन परमानेंट रुकन, कभी कोई और ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है, कभी वो जैसे ना नेटो के मतलब नॉन नेटो अलाय का दर्जा दे दिया पाकिस्तान को, नॉन नेटो अलाय इंडिया को दे दिया, किसी को क्या मिल रहा है किसी को कुछ नहीं पता, तो इसी तरह से वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, यानी अब देखें ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर फलस्तीन के सफीर भी हैं, फलस्तीन तो नहीं है लेकिन फलस्तीन के जो नुमाइंदे मौजूद हैं, तो इशू ये है कि ऑब्जर्वर स्टेटस उन्होंने दे दिया, लेकिन मसला ये कि आर्कटिक के अंदर इंडिया का रोल नहीं मुझे, मैं अभी तक समझ पा रहा कि उनका उनकी पूरी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, ये इस पर डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, डिस्कस करेंगे उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। और दूसरी बात ये कि ये जो उन्होंने देखिए ना नॉर्थ कोरिया साथ खड़ा है, बिल्कुल साथ नॉर्थ कोरिया, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये ताइवान से गुजरेगा, ये फिलीपीन से गुजरेगा साउथ चाइना सी में, ये जो रूट है ना, ये जो रूट है इसको जरा हम बड़ा करें, ये बे ऑफ बंगाल से, फिर उसके बाद ये सिंगापुर, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ मलाका को क्रॉस करेगा, सही, फिर उसके बाद ये आगे जाएगा, आगे बढ़ता हुआ तमिलनाडु, और शुरू होके वो कह रहे हैं कि ये 24 दिन का हो जाएगा, 40 दिन हमें लगते हैं नॉर्वे तक पहुंचने में अगर हम एग्जिस्टिंग रूट के थ्रू जाते हैं, ये इन्होंने प्रपोजल पेश किया है। सवाल ये है कि ये प्रपोजल जो पेश किया है, इस प्रपोजल को 2019 में एमओयू साइन हो गया, 2020 में वो गलवान, और मैं आपको बताऊं दोबारा गलवान पे और उन जगहों पे चाइना और इंडिया की टेंशन डेवलप होने जा रही है, उस पर हम बात कर लेंगे, आज करेंगे बात करेंगे, टेंशन और झगड़ा जो है वो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के ये डॉक्टर घोचू बात कर रहे थे भारत और रूस के बीच जो नया एएमयू साइन हुआ है और उसमें जो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हुई है उसके बारे में लेकर बात कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दूँ डॉक्टर घोचू की एक पुरानी हिस्ट्री रही है, ये मतलब इस तरीके की बात करते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, और इंडिया को लेकर इनका हेट बड़ा ही मतलब बहुत 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 हद से ज़्यादा है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ जब भारत चाइना के बीच लद्दाख में टेंशन चल रही थी तो ये मतलब रोज आके एपिसोड करता था उस पर और बहुत खुश होता था, और आज फिर इसने लास्ट में कुछ बात बोला है। और जब भारत में कोरोना फैला तो इसने मतलब इसके जो दांत दिख रहे थे मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराते हुए दांत से ये दुआ कर रहा था कि भारत में कोरोना ठीक हो जाए, मतलब इनडायरेक्टली तो ये खुश हो रहा था, ये इसके दिल की तमन्ना है और ये ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तमन्ना है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़, तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, पढ़ा लिखा ज़्यादा खतरनाक होता है, तो पढ़ा लिखा जो है वो मतलब चाहता है कि भारत किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं तरीके से बर्बाद हो, और इसकी ये तमन्ना है। आपको बता दें कि भारत पे कुछ भी मतलब हो और इसका मुंह खुलना ही है उस पर। अब ये भारत और रशिया के बीच कुछ प्रोजेक्ट चालू हुआ, इसका ये मुंह खोला और ये इनडायरेक्टली तो ये बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट, ये कैसे चलेगा, ये क्या है, ये समुद्र से कैसे व्यापार करेंगे, मतलब बेवकूफ़ी की भी हद है, ये बेवकूफ़ है। इसका बस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिंदाबाद, वो इसको कहाँ दुनिया की सबसे कौन सी इकोनॉमी बना देगा, पता नहीं क्या बेवकूफ़ इंसान है ये। तो ये एक चीज़ है इसके साथ, ये दुनिया का कोई भी मतलब मुस्लिम देश हो, हमारा ब्रादर मुस्लिम देश, ब्रादर ब्रादर ब्रदर नहीं ब्रादर, ये हर पाकिस्तानी के मुंह से निकलता है ब्रादर, चाहे वो ब्रादर मुल्क इसके मुंह में थूके भी ना, लेकिन इसका वो ब्रादर मुल्क है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडिया चाइना के बीच टेंशन है उसको लेकर तो ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ सेलिब्रेट करता है, और ये चाहता है फिर से गलवान और ये सब फिर से रिपीट हो,
इस तरीके की चीज़ें इसके दिमाग में रहती हैं। इसने तो लास्ट टाइम जब इंडिया चाइना का जो लद्दाख में टेंशन चल रहा था, इसने डिक्लेयर कर दिया था कि चाइना की बॉर्डर तो सीधे यूपी से मिलती है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। वो नहीं मानता नेपाल भूटान, वो इसको अपना हिस्सा मानता है। इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी इस डॉक्टर घोचू ने बातें की थी। तो दोस्तों इसके भी वीडियो डालना चाहिए, मुझे पता है इसके वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, लेकिन दूसरे चैनल पर बड़े जमकर देखते हो, तो मेरे चैनल पर भी देखो यार, व्यूज़ नहीं आ रहा है बिल्कुल। प्लीज़ सपोर्ट करो, और जो भी खामियां हैं वीडियो में, मतलब एडिटिंग वगैरह में, वो बताओ तो मैं थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।